वेलकम टू माय चैनल कॉर्नर और मैं हूं नीमा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी शादियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपकी ना लुक को और ऊपर लेके जाती है मतलब आपको और स्टाइलिश दिखा सकती हैं आपके स्टाइल में चार चांद लगा देंगी ये सबसे पहली चीज़ जो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है बेल्ट देखो बेल्ट से क्या होता है ना आपकी लुक तो अच्छी होती है बल्कि आपकी ना बॉडी टाइप भी बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि तो होता साड़ी हम लोग पहनते हैं लहंगा हम पहनते हैं दुपट्टा टांग लेते हैं बट वो फिर फैलता रहता है उड़ता रहता है उससे अच्छा है कि जब मैं उस पर बेल्ट लगा लेती हूँ तो मेरी वो बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी आती है बेल्ट के लिए मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ एक इस तरीके की बेल्ट ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी इसमें आपको प्लेन भी मिल जाती है मेटल की होने वाली है ये और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट अगर आप इस तरीके की बेल्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ये मैंने टेलर से खुद से बनवाई है अपने लहंगों से मैचिंग की आप इस तरीके की बेल्ट बनवा सकते हो ये आप लेस ले लीजिएगा ये आपको लेस मिल जाती है इस तरीके की मेरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ना जो मेरे लहंगे पे वर्क था उससे एग्जैक्ट मैचिंग की मैंने ली है इसमें वो क्या करते हैं पीछे की तरफ इस तरीके से लास्टिक लगा देते हैं और हुक लगा देते हैं देखो जब आप ना बेल्ट ऐड करते हो ना अपनी साड़ी पे या लहंगे पे तो उससे ना वो लुक बहुत अच्छा आता है ट्राई ज़रूर करना बहुत ही अच्छी लुक आती है मैं आपको कुछ फोटोज़ अगर मेरी बेल्ट वाली मिल जाएंगी ना मुझे तो मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी बहुत अच्छी लुक आती है बहुत ग्रेज जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है डेफ़िनेटली आप बेल्ट को ट्राई कर सकते हो दूसरी चीज जो तो मुझे लगता है कि हम लड़कियों को चाहिए हमें चाहिए बड़े बड़े से आई बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब भी, भी आईलैश लगाने की कोशिश करती हूँ मुझे लगता है शादी में जाके कहीं निकल ना जाए तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मैंने ट्राई किया है वो है मैग्नेट आई का ये निकलता नहीं है जी हाँ इसमें आपको ना ये मैगनेट ग्लू मिलता है नॉर्मल जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना वैसे लगा लेना है और सिर्फ इसको निकालना है और चिपका लेना है बिलीव मी आप कितना नाचो कितना गाओ कितना रो आपकी आई नहीं निकलेंगी इसमें मैग्नेट लगा होता है तो बहुत ही अच्छे से ये चिपकी रहती है इसमें आपको तीन डिफरेंट टाइप की मिलती है अगर आपको अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप इसे लगा सकते हो मेरे को इतनी भारी आईलैश पसंद नहीं है मुझे चाहिए होता है बिल्कुल नेचुरल वाली बट ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी मैंने एक बार ट्राई करी है काफ़ी पूरा मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने शादी में खुद से ही निकाली है घर आके कहीं से कहीं तक हिली नहीं है अगर मैं इसका ग्लू आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो सिंपल सा आपको लाइनर जैसा ही लगेगा ये कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ और लगाया है आपने बट हाँ इसमें जब आप अपनी ये आई चिपकाते हो ना तो वो इंस्टेंटली चिपक जाती है मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है आई लगाने में नहीं आता है फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हो तो अगर आपको आई लगानी है ना शादी में बिना ये सोचे कि निकलेगी तो नहीं कहीं एक की निकल गई दूसरे की रह गई <laughs> तो वो टेंशन आपकी ये आई दूर कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो मैंने तो इसी ब्रांड की ट्राई करी है तो मैं आपको इसी ब्रांड की रिकमेंड करूंगी कि आप इसी की लेना तीसरी चीज़ जो शादियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है वो होता है हेयर कलर बट समटाइम्स ना हमें शादी में जाना है हमें आज ही पता चला है हस्बैंड ने अभी बताया यार उसकी शादी में जानता हम तो भूल ही गए तब आप क्या करोगे हेयर कलर करने बैठोगे नहीं तब आपको चाहिए ये ये है लॉरियल मैजिक रीटच मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ बिलीव मी <laughs> जैसे मेरे ना बाल यहाँ से वाइट दिखते हैं सबसे ज़्यादा तो मुझे बहुत इजी लगता है कि मैं यूँ हाथ रखूँ और फटाफट से इसे स्प्रे कर लूँ इंस्टेंटली ये आपके रूट्स को कवर कर देता है जो मोस्टली औरतों के साथ प्रॉब्लम होती है ना हमारे रूट सबसे जल्दी कलर रिमूव होता है वहाँ से तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपको लगता है कि आपके बाल कहीं से बहुत ज्यादा हल्के दिख रहे हैं तो इसे आप अपने स्कैल्प पे भी कर लोगे ना तो वो चीज कवर हो जाएगी जैसे तो यहाँ से आप मेरे देखोगे यहाँ से आपको मेरा स्कैल्प दिख रहा है ना तो अगर मैं इसे स्प्रे कर लूंगी तो वो चीज ये आप देख सकते हो बिल्कुल कवर कर देता है ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बट हाँ इसका कलर जैसे आप देखोगे हाथ पे लग गया है तो इसे आप रिमूव कर लेना बट यहाँ से आप देखोगे बिल्कुल ये कवर कर देता है बहुत ही सही मुझे लगता है स्पेशली अगर आपको अर्जेंसी में चाहिए ना कि भाई हेयर कलर तो मैंने किया नहीं और मेरे बाल यहाँ से सफ़ेद दिख रहे हैं वहाँ से सफ़ेद दिख रहे हैं या यहाँ से गंजा दिख रहा है <laughs> तब तो आप इसे ट्राई करो बहुत ही सही प्रोडक्ट है चौथी चीज़ जो तो मुझे लगती है कि शादियों के सीज़न में अगर आपने साड़ी पहनी है लहंगा पहना सूट पहना तो आपको ज़रूर चाहिए वो होता है बिंदी मैं ये लोकल शॉप से लेती हूँ मैंने इस सीज़न में एक ऐसी बिंदी का पत्ता ढूंढा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है इसमें ना शेड में है बिंदी तो कुछ ऐसे शेड्स हैं जो मेरी ड्रेस के बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग थे जैसे ये स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर का मैंने लहंगा पहना था अभी कुछ दिन पहले उस दिन मैंने ये बिंदी लगाई थी येलो और रेड कलर की साड़ी बनी थी तो ये बिंदी लगाई थी तो बहुत ही अच्छी लुक आती है तो अगर आपको एग्जैक्ट मैचिंग बिंदी मिल जाती है ना तो आप डेफिनेटली ट्राई करो अदरवाइज बिल्कुल सेफ साइड रहने के लिए लाल रंग की बिंदी ले लो भाई ये हर ड्रेस पे चल जाती है लाल रंग की मेहरून रंग की बिंदी तो मुझे लगता है हर लड़की के पास होनी चाहिए आज की डेट में ना वो लंबी लंबी बिंदियों का फैशन नहीं है तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल बिंदियों पे इन्वेस्ट करो आप देखोगे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी आजकल अपनी ब्राइड्स को वो बिल्कुल छोटी सी गोल बिंदी लगाते हैं तो वो फैशन नहीं है पुरानी जो दुकानें हैं उनमें वो बिंदी आपको आज भी दिख जाएंगी जो लंबी लंबी सी होती थी स्टोन स्टोन वाली वैसी बिंदियों का फैशन अब बिल्कुल नहीं है तो उन उनपे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना इस तरीके की बेसिक बिंदियों पे इन्वेस्ट करो और ये बहुत अच्छी लुक आपकी ना मज़ेदार कर देगी बहुत मस्त वाली एक चीज़ तो मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है आपका मेकअप सेटिंग स्प्रे मुंह पर तो हमने दो किलो आटा लगा लिया <laughs> पर हमने उसको सेट ही नहीं किया देखो रोटी बनाते वक्त भी आपको सूखा आटा लगाना पड़ता है ना रोटी पे फिर हम उसे फिर उसे जो एक्स्ट्रा होता है उससे हम झाड़ देते हैं फिर हम रोटी बनाते हैं ना सेम चीज़ होती है मेकअप में भी मेकअप में भी आपको अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर की ज़रूरत होती है मेरे जो दो अल्टीमेट फेवरेट हैं एक तो है ये फेसिस कैनेडा का और दूसरा है वेट एंड वाइल्ड का दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं ये वाले की अगर मैं बात करूँ इसे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे को इसका ना स्प्रे बहुत अच्छा लगता है अरे ये आप देखोगे ना काफ़ी हल्की फुहार आती है इसकी तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं एक चीज़ जो वेडिंग सीजन में आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो है ये अब आप बोलोगे क्या मच्छरदानी नहीं भाई मच्छरदानी नहीं है ये ये है कैनकेन स्कर्ट देखो कई बार हम लोग ऐसी पहनते हैं सूट अनारकली सूट हो गया या फिर हमारे लहंगे होते हैं जिसके अंदर कैनकेन नहीं लगा होता या जिसका फ्लेयर बहुत अच्छा नहीं होता है उन्हें फ्लेयर देने के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हो यह आप कह सकते हो एक ऐसा पेटी कोट है जिसमें नेट लगा हुआ है ताकि वॉल्यूम मिल जाए और नीचे की तरफ जो इसका सर्कल है न ये इसमें ना मेटल लगा हुआ है तो ये क्या होता है इसकी वजह से जो आपका फ्लेयर है ना वो फिक्स हो जाता है और वो वैसा ही रहता है बिल्कुल आपको सिंड्रेला वाली फीलिंग आने वाली है जब आप इसे पहन लेते हो बहुत ही प्यारा मुझे ही ये लगा और इसमें ऊपर की तरफ ना आपको इस तरीके से लास्टिक मिलता है तो घुसना बहुत आसान है और टिकाना इसको बहुत आसान है कोई नाड़ा वाड़ा वाली टेंशन नहीं है इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है बट इसे पकड़ के फैलाना और इसे संभालना बड़ा मुझे ट्रिकी लगता है क्योंकि ये किसी पन्नी में फिट ही नहीं होता देख सकते आप इसका फ्लेयर कितना है इसमें आपको एक पहले कैन कैन मिलता है नेट मिलता है फिर दूसरा नेट मिलता है फिर यहाँ पर आपको ये फैब्रिक मिलता है जिसमें आपको इस तरीके से तार लगी हुई मिलती है तो डेफिनेटली इसे तो मैं बोलूँगी कि अगर आपकी ड्रेस का फ्लेयर कम है डेफिनेटली आप इसे यूज करो चीज जो शादियों के सीजन में आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आपके बाल मेरी तरह छोटू छोटू से हैं, वो है हेयर एक्सटेंशन और इस तरीके की हेयर एक्सेसरीज ये जो चीज़ें हैं ना भाई ये कमाल करती हैं, बिलीव मी आपकी लुक को बहुत ही अच्छा बना सकती है मतलब मैं अगर मैं पार्लर जाके भी रेडी होती हूँ ना तो वो भी मेरे बालों पे यही हेयर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तब से मैंने सोचा कि यार जाने ही क्यों है पार्लर अपना हेयर स्टाइल खुद बनाना सीखेंगे डोनट ले लिया है मैंने अपना डोनट वाला जूड़ा बना लेती हूँ या फिर हेयर एक्सटेंशन इस तरीके के ले लिए हैं इन्हें मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ नकली बालों से चोटी बना के अपना जूड़ा बना लेती हूँ या फिर जो भी हेयर स्टाइल बनाना है मैं खुद से बना लेती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपके लुक को बहुत अच्छा कर देते हैं डेफिनेटली आप इनमें इन्वेस्ट करो अगर आप चाहते हो बहुत ही अच्छे दिखना आप इनको ट्राई कर सकते हो सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आई होप अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना लास्ट चीज जो आपकी लुक को बहुत अच्छा कर सकती है वो होते हैं बैग्स मैंने बैग के ऊपर एक अलग से वीडियो शूट कर लिया है इस तरीके के जो क्लचेस होते हैं ना ये आपकी लुक को बहुत अच्छा कर सकते हैं मतलब मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि यार साड़ी पहनी है लहंगा पहना है तो बड़े बड़े बैग मत कैरी करो वो लुक को खराब कर देते हैं छोटे छोटे क्लचेस बहुत अच्छा आपकी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय